हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में जो टमाटर है उसकी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और टमाटर की कीमत पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर सीधी ही दुगनी हो गई है। महज 1 महीने पहले जो टमाटर की लागत भी न निकल पाने के कारण जो नाराज किसान टमाटर को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो रहे थे, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ ही टमाटर में महंगाई के तेवर ऐसे चढ़े हैं कि भाव सुनते ही खरीदारों की आँखें लाल होती जा रही है। देश में ज़्यादातर बाज़ारों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो को पार कर गई है। थोक बाज़ार में टमाटर की जो कीमत है वो 65 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, जो 2 से 3 दिन पहले 35 रुपये किलो बिक रहा था। वहीं खुरदरा बाज़ार है, उसके अंदर इसकी कीमत 40 से 45 रुपये किलो थी। यदि हम टमाटर की कीमत की विभिन्न राज्यों के अंदर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो टमाटर की कीमत है वो 80 से 100 रुपये किलो के बीच में है वर्तमान के अंदर, और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार के अंदर जो टमाटर की कीमत है वो 60 रुपये से लेकर के और 100 रुपये किलो के प्रति किलो के रूप में बिक रहा है। अभी जानकारों का मानना है कि अभी ऊंची रहेगी टमाटर की कीमतें, और जानकारों का कहना है कि भीषण गर्मी और बारिश में देरी और किसानों की उदासी के बाद जोरदार बरसात की शुरुआत ने बाज़ार में टमाटर की जो आवक है उसको कम कर दी है, जिसके कारण जो कीमतें हैं वो अचानक बढ़ गई है। महज 1 महीने पहले महाराष्ट्र की जो थोक मंडी है उसके अंदर जो टमाटर के दाम थे वो 5 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए थे। सोमवार को महाराष्ट्र की थोक मंडियों में टमाटर के जो औसत मूल्य था वो 40 रुपये प्रति किलो रहा। हाल ही में हुई बारिश की वजह से ज़मीन में मौजूद टमाटर के जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिसके कारण टमाटर की जो कीमत है उसके अंदर अचानक से वृद्धि हुई है। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी टमाटर की जो कीमत है उसके अंदर उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।